हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 5 की इंग्लिश, दैट इज पीटल, जिसका नाम था रेनबो, अब नाम चेंज होकर हो गया इसका पीटल। चैप्टर 12 है जिसकी एक्सरसाइज आपको करानी है। चैप्टर 12, एलिस इन वंडरलैंड, एक बहुत आसर का देने वाली जगह पर एलिस नाम की लड़की। ये चैप्टर हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ाया है, इसमें कराने वाले हैं आज की क्लास में इसकी एक्सरसाइज जो कि हमने नहीं कराई थी। देखते हैं, समझने की कोशिश। इस चैप्टर में ये वर्ड मीनिंग है, वंडरलैंड मतलब होती अद्भुत दुनिया। इस कैंप पर हड़बड़ाहट में बेस्ट कोट होता है, एक सदरी कहिएगा, बड़ा सा कोट जो आपके घुटनों तक हो। वंडर होता आश्चर्य करने वाला, क्यूरियोसिटी जानने की उत्सुकता होती है, और फॉलो मींस होता पीछा करना, पॉप माने जंप यानी कूद जाना, लैंडेड माने होता उतरना, पायल होता ढेर, विस्पर होता बिल्ली या चूहे की मतलब लंबी लंबी मूछें जो होती हैं वो होती हैं विस्कस, जैसे मुंह पर मूछें नहीं होती वो बिस्कर होती। डिलाइट मीन्स होता अधिक प्रसन्नता, और लॉन्ग होता तीव्र इच्छा व्यक्त की, मतलब लॉन्ग माने लंबा भी होता लेकिन यहाँ पर तीव्र इच्छा व्यक्त की होता। एक्सक्लेम मीन्स होता समझाना बुझाना, या भाव भी होकर अचानक चिल्लानी। तो ये इसके वर्ड मीनिंग है। इधर भी कुछ एक्सक्लेम है, लैंड है, फॉलो है, वंडर है, वो इनके फर्स्ट फॉर्म में दिए गए, इधर सेकंड फॉर्म में दिए गए। तो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो कि हमको करने हैं। फर्स्ट है, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। अब देखिएगा इसका जो जवाब लिखेंगे, बहुत कुछ आपको इसी क्वेश्चन से ही लेना है। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी आपको इतना लिखना ही लिखना है, केवल व्हाट की जगह आप लिख दें जो भी आपने देखा है, एलिस ने देखा था। तो व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी अब लिखेंगे एलिस सॉ, यहाँ से लिखेंगे, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगा है तो यहाँ पर आपके सी का सॉ कर देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एलिस सॉ ए ब्राउन रैबिट इस कैंपर वाई, क्या देखा, एक ऐसा ब्राउन कलर का खरगोश देखा जो बहुत ही जल्दबाजी में चला जा रहा था। तो जवाब में लिखेंगे व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ ए ब्राउन रैबिट इस कैंपर वाई, आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। अब जैसे साधारण से खरगोश होते हैं उनमें और इस खरगोश में जो एलिस ने देखा इसमें अंतर क्या था वो हमको बताना है, कि और जो खरगोश उसने एलिस ने अब तक देखे थे उनमें और इसमें अंतर क्या है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे देयर वाज डिफरेंस अबाउट द रैबिट, देयर वॉज डिफरेंस अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। आपने ये तो हमने क्वेश्चन से ही ले लिया, द डिफरेंस, देयर वॉज डिफरेंस अबाउट द रैबिट द दैट एलिस सॉ। अब आप डैश करके आगे लिखेंगे इट हैड ब्लू आइज, इसकी नीली आँखें थीं, बियरिंग ए बेस्ट कोट, बड़ा सा कोट पहने हुए था, हैविंग ए वॉच और घड़ी थी। तो ये डिफरेंस हो गया, नहीं हो गया, तो जो डिफरेंस आपने इसमें दिखाई दे रहा है, बेस्ट कोट पहने था, घड़ी थी, आंखें उसकी नीली नीली थी, तो वही सब चीज़ें इसमें हमें लिख देनी है कि देयर वॉज डिफरेंस अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ, इट हैड ब्लू आइज, बियरिंग ए बेस्ट कोट एंड हैविंग ए वॉच। कितना इसके जवाब में आप लिखेंगे, सी ए वेयर डिड द एलिस रैबिट गो, वेयर डिड द रैबिट गो, खरगोश कहाँ गया। तो आप ये देखो ये भी पास्ट इंडेफिनेट में आया तो गो का कर देंगे बैंट, तो रैबिट गो, रैबिट बैंट इन टू ए लार्ज रैबिट होल, द रैबिट बैंट इन टू ए लार्ज रैबिट होल, इसके जवाब में आप ये लिखेंगे। डी ए हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, उस वंडरलैंड में एलिस कैसे पहुँची। तो जब खरगोश अपने बड़े से घर में कूद गया तो एलिस भी उसके पीछे ही जंप कर गई और चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही, लास्ट में जाके धाम से वह सूखे हुए पत्तों के ऊपर जाके गिरी और वहाँ पर वह पहुँच गई। तो आपको इतना नहीं लिखना, आप केवल ये लिखेंगे एलिस जंप्ड इनटू द लार्ज रैबिट होल टू, एलिस ने भी उस खरगोश के बड़े घर में जंप कर दी और उस वंडरलैंड पर पहुँच गई उसमें लुढ़कती हुई। तो आप लिखेंगे एलिस जंप्ड इनटू लार्ज रैबिट होल टू एंड रीच्ड वंडरलैंड, आपको इतना लिखना है। व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी, अब कौन सी अजीब सी चीज़ थी जो एलिस ने वहाँ देखी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इसके जवाब में आप लिखेंगे द स्ट्रेंज थिंग दैट एलिस सॉ, द स्ट्रेंज थिंग्स दैट एलिस सॉ इन द वंडरलैंड
ए ब्यूटीफुल गार्डन कहिए, ए लवलीएस्ट गार्डन दैट सी हैड एवर सीन, मतलब ऐसा कभी उसने देखा ही नहीं था, इतना सुंदर उसको गार्डन देखने के लिए मिला। तो आप इसके जवाब में सही तरीके से लिखेंगे क्या, द स्ट्रेंज थिंग्स दैट एलिस सॉ, ए लवलीएस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन। तो इस प्रकार से ये पांच के पांचों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर वर्ड, इसमें देखिए हमसे क्या कहा गया, बर्न वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दे फाइंड द बर्न वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, मतलब स्टोरी में ही आए हुए शब्द हैं और एक वर्ड उनसे निकालना है, उनका वर्ड का पहला अक्षर दिया गया। जैसे टू बाग फास्ट, तेज तेज चलने को हम हरी भी कह सकते हैं, जल्दी करो, एच यू डबल आर आई ईडी हरी, जल्दी करना या हरी। हैप्पी खुश होना होता है डिलाइट, डी ई एल आई जी एस टी, डिलाइट मीन्स होता खुश होना। एट वंस एकदम, क्विकली, क्यू यू आई सी के एल वाई। टू बी सीन नो वेयर, कहीं दिखाई ना देना, कहीं दिखाई ना देने का मतलब है गायब हो जाना, डिस एपियर, जैसे वो गायब हो गया था खरगोश, डिस एपियर। और मूव फास्ट का मतलब स्कैम्पर शब्द आया था इसमें, स्कैम्पर। ईगर टू नो मतलब होता है जानने की प्रबल इच्छा, क्यूरियोसिटी, सी यू आर आई ओ एस आई टी वाई, क्यूरियोसिटी, जानने की प्रबल इच्छा। और लैंग्वेज प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन दिया गया, हम वो भी आपको करवा देते हैं, यानी आपको आंसर गिवन है, क्वेश्चन बनाना है डब्ल्यू एच फैमिली का। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है भाट, वेयर, वैन, भाई, हाउ, ये शब्द बनाने हैं आपको। तो क्या दी, जैसे पहला उन्होंने कह दिया माई नेम इज राहुल, तो भाट इज योर नेम, बना दिया क्वेश्चन। दूसरा है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन करेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग। माई फादर इज ए गोल्ड स्मिथ, हमारे पिताजी एक सुनार हैं, तो जवाब ये प्रश्न ये हो जाएगा तुम्हारे पिताजी क्या, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। आई एम 10 years old, मैं 10 साल का हूँ, आप कितने बड़े हैं, हाउ ओल्ड आर यू। ये भी डब्ल्यू एच फैमिली का ही शब्द माना जाता है, लेकिन ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मिसेज प्रीति त्रिपाठी टीचेज मी इंग्लिश, तो हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु, देखो यहाँ पढ़ाने वाली है, तो हु डज प्रेजेंट इंडेफिनेटिव, हु डज टीच यू इंग्लिश। I get up at 6 o'clock, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, when do you get up, आप कब उठ जाते हैं, तारा तो आपको करना पड़ेगा, when do you get up, और क्वेश्चन मार्क लगा दें, लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क सभी में। तो इस प्रकार से इनके क्वेश्चन के मतलब आंसर के क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, आपसे क्वेश्चन बनवाया गया था, आंसर गिवन था और डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन था, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये एलिस वंडरलैंड वाली भी एक्सरसाइज करवा दी, आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।